नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 न्यूज पे। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, CBI की एंट्री बिहार में हुई है और कल से ही लगातार CBI का रेड जारी है। इस वक्त हम लोग पटना के SKpuri स्थित SBI बैंक शाखा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि MLC हैं RJD कोटे से सुनील सिंह और विस्कुमान के चेयर हैं। उनके पटना स्थित जो JD वुमेन्स कॉलेज है उस घर के पास में कल CBI का छापा पड़ा। काफ़ी देर रात तक ये छापा चला है जिसमें 2.5 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए। उसके बाद से लगातार सुनील सिंह भाजपा पे और CBI पे हमलवार भी हुए थे। वो तस्वीरें भी रात की हमने देखी किस तरीके से CBI की रेड दोपहर से मतलब सुबह से ही शुरू हो गया था रेड और शाम तक देर रात तक चला। और उसके बाद देर रात के बाद सुनील सिंह बाहर निकले, मीडिया कर्मियों से बातचीत किए और आज सुबह एक बार फिर से CBI की कार्रवाई जारी हो गई है। और SBI के लॉकर में जो उनका लॉकर है सुनील सिंह का, उनकी पत्नी के नाम से लॉकर है, उन लॉकर को खंगाला जा रहा है CBI के द्वारा से। अंदर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, मीडिया कर्मियों का जमा यहाँ पे लग चुका है। तो तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और तमाम लॉकर को जो उनके नाम पे लॉकर है उस लॉकर को खंगाला जा रहा है। अंदर क्या कुछ आएगी तस्वीरें वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए पटना के SKpuri स्थित SBI का ये शाखा है और इस शाखा में CBI की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और लगातार तबतोड़ बिहार में जिस तरीके से CBI का रेड जारी है। कल 26 ठिकानों पर बिहार में CBI का रेड चल रहा था। RJD के 6 नेताओं पर CBI की कार्रवाई चली। आसफाक करीम है, राज्यसभा सांसद हैं RJD के, उनके आवास पर चली है। उसके बाद मधुबनी में भी चली है। तो तमाम RJD के बड़े नेताओं के पास में जो है CBI का रेड चल रहा है। और आज SBI के शाखे में MLC हैं सुनील सिंह RJD कोटे से, उनकी पत्नी के नाम पर ये है, पत्नी के नाम पर लॉकर है और इस लॉकर को CBI खंगाल रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के नाम पे एक मॉल जो है वो बताया जा रहा था गुरुग्राम में, वो मॉल निर्माण कार्य चल रहा था उस मॉल का, तो वहाँ पे भी छापेमारी की गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस मॉल के बारे में बताया कि ये मॉल उनका नहीं है, अबू दोजाना की कंपनी जो है वो बनवा रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल जब विश्वास मत साबित करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो उन्होंने कह दिया कि ये मॉल बिल्कुल भी हमारा नहीं है, दूसरे नाम पे है। लेकिन CBI रेड मार रही है, देश भर में इन दिनों CBI का रेड जारी है और बिहार में 26 ठिकानों पर CBI का रेड चल रहा है। दूसरे दिन भी CBI का रेड जारी है और दूसरे दिन वो सुनील सिंह जो MLC हैं और बिस्कोमान के चेयरमैन हैं RJD के कोटे से, उनके पत्नी के नाम पर लॉकर SBI में है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है जिसके बाद से वो छापेमारी कर रही है। तो अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, CBI के जो भी लोग आएंगे बातचीत करेंगे उनसे, क्या कुछ तस्वीरें निकल के आएंगी वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।